सो गाइस, टेक्नो कैमन 12 एयर को जो है इंडिया के अंदर लॉन्च कर दिया गया है। मंडे को जो है इस डिवाइस को लॉन्च किया गया था इंडिया के अंदर। साथ ही में ये जो डिवाइस है आपको 10,000 रुपीस की रेंज के अंदर देखने को मिलने वाला है। अब इस डिवाइस के अंदर काफ़ी कमाल की स्पेसिफिकेशंस आपको देखने को मिलने वाली है और ये जो डिवाइस है आपको पंच होल वाले डिस्प्ले के साथ में देखने को मिलेगा। अब 10,000 रुपये के अंदर इसमें क्या क्या देखने को मिलने वाला है, कौन से फीचर्स डाले गए हैं, सब कुछ बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ में। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं इसकी लुक्स और डिज़ाइन को लेकर, तो ये जो डिवाइस है आपको प्लास्टिक बॉडी के साथ में देखने को मिलता है, यानी कि बैक की साइड में आपको प्लास्टिक बैक डिज़ाइन देखने को मिलता है जो कि ग्लॉसी फिनिश के साथ में आता है। फ्रंट की साइड में अगर बात करें तो यहाँ पर आपको एक पंच होल वाली डिस्प्ले देखने को मिल जाती है जो कि डेफिनेटली वाटर ड्रॉप नॉच से तो काफ़ी अच्छा लुक प्रोवाइड करती है। इसके अलावा डिस्प्ले के अंदर आपको 6.5 इंच की एक HD प्लस वाली डिस्प्ले देखने को मिल जाती है जिसके अंदर की आपको IPS LCD वाला पैनल देखने को मिल जाता है। परफॉर्मेंस के लिए इस डिवाइस के अंदर आपको मीडियाटेक की तरफ से हीलियो P22 वाला चिपसेट देखने को मिल जाता है जिसकी परफॉर्मेंस आपको ठीक ठाक से ही देखने को मिलती है और ये जो चिपसेट है इंडिया के अंदर 6 to 7,000 रुपीज़ की रेंज के अंदर ही ज़्यादातर देखने को मिलता है। अब इस डिवाइस के अंदर एक सिंगल वेरियंट ही लॉन्च किया गया है जो कि आता है 4GB रैम एंड 64GB स्टोरेज के साथ में। इसके अलावा ये जो डिवाइस है ट्रिपल कैमरा सेंसर के साथ में आपको देखने को मिलता है जहाँ पर कि 16 मेगापिक्सल का जो है प्राइमरी सेंसर दिया गया है बैक की साइड में। साथ ही में आपको 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस भी देखने को मिल जाता है और 5 मेगापिक्सल का जो है वाइड एंगल लेंस का यूज़ किया गया है। साथ ही में फ्रंट की साइड में आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है जो कि पंच होल डिस्प्ले के अंदर देखने को मिल जाता है। अब डिवाइस के अंदर आपको जो है डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट भी प्रोवाइड किया गया है जिसकी वजह से जो आप 256 GB तक अपनी स्टोरेज को जो है एक्सपेंड भी कर पाओगे। इस डिवाइस के अंदर आपको जो बैटरी मिलती है वो 4000 mAh तक की देखने को मिल जाती है जो कि नॉर्मल 10 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है और इस डिवाइस के अंदर आपको जो है माइक्रो USB 2.0 का ही पोर्ट देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं इस डिवाइस के वर्जन को लेकर, एंड्रॉयड वर्जन को लेकर, तो ये जो डिवाइस है आपको एंड्रॉयड 9.0 यानी कि पाई के सपोर्ट के साथ में देखने को मिलता है आउट ऑफ द बॉक्स। साथ ही में फ़ोन की बैक की साइड में आपको जो है फिंगरप्रिंट सेंसर की भी ऑप्शन देखने को मिल जाती है तो सिक्योरिटी फीचर्स भी आपको देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं कि ये जो डिवाइस है वर्थ करता है अपनी प्राइस के लिए या फिर नहीं, तो मैं बोलूँगा नहीं, क्योंकि इस रेंज में आपको काफ़ी अच्छे अच्छे और डिवाइसेज देखने को मिल जाती है जिनमें कि आपको डिस्प्ले अच्छी देखने को मिल जाती है, साथ ही में कैमराज भी अच्छे देखने को मिल जाते हैं और 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट तक भी देखने को मिल जाता है। तो डेफिनेटली ये एक अच्छी ऑप्शन नहीं है टेक्नो कैमन 12 एयर इस प्राइस रेंज में। और भी काफ़ी सारे डिवाइसेस हैं जिन पे कि आप नज़र गड़ा सकते हैं और उनके अंदर चिपसेट भी अच्छा दिया गया है। सो गाइस, फिलहाल के लिए इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आती है इसे लाइक और शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। मैं तो अपने अगले वीडियो में, धन्यवाद।